आज एडिक्शन ट्रीटमेंट की बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम आयुष है एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एडिक्शन की बात कर रहे हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हम उसको बोलते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेस हैं विच वी टॉक अबाउट इन साइकैट्री, इन साइकोलॉजी, बट इन जनरल स्पीकिंग एनीथिंग विच इज़ इम्पेयरिंग द वे यू फंक्शन फिजिकली, मेंटली और सोशली, एंड इफ़ इट डिसरप्ट्स योर नॉर्मल फंक्शनिंग, your judgment, your decision making power, and is altering your behavior, it is considered as a drug. Alcohol, tobacco, weed, जिसको cannabis भी कहते हैं, opiates, ये कुछ common चीज़ें हैं, along with sleeping pills, कई लोग उसको भी abuse करते हैं और काफ़ी ज़्यादा हानिकारक नुकसान उनको होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है और इलाज क्यों कराना ज़रूरी है। तो देखिए, मैं इस वीडियो के लिए जस्ट फॉर द कॉमन रेफरेंस एडिक्शन टर्म यूज़ करूँगा। हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं, और मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि किसी भी इंसान को जिसको एडिक्शन हो गया है, जिसको लत लग गई है किसी एक सब्सटेंस की, उसे एडिक्ट कहना या ऐसे कुछ वर्ड्स मैं चाहूँगा कि हम लोग यूज़ ना करें, बिकॉज ये काफ़ी स्टिग्मेटाइजिंग है अपने आप में और ये इंसान को और जो है डीमोटिवेट करते हैं टू टेक ट्रीटमेंट। हम इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इन साइकैट्री, वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ डिसऑर्डर, यानी कि एक बीमारी है, एक बीमारी की तरह ही देखा जाए इसको और वैसे ही ट्रीट किया जाए। जब एक इंसान किसी सब्सटेंस से इंट्रोड्यूस होता है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑलराइट, काफ़ी सारे कारणों की वजह से, जिसमें एनवायरमेंट एक बड़ा फैक्टर है, पर्सनैलिटी एक बड़ा फैक्टर है, और आपके अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। अब एक बार आप सब्सटेंस से इंट्रोड्यूस हो गए, आपकी ज़िंदगी में कोई केमिकल, कोई ड्रग कुछ आ गया, अल्कोहल अगर एंटर हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ डेफिनेटली ट्रू दैट यू विल ऑलवेज टर्न अप एज अ सब्सटेंस डिपेंडेंट पर्सन, बट चांसेस आर वेरी वेरी हाई। ऑलराइट, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे डिपेंड करता है, जैसे कि कितनी अवेलेबिलिटी है उस सब्सटेंस की आपके पास, आपके आसपास, कितनी एक्सेसिबल है, कितना अफोर्डेबल है, कितना एक्सेप्टेबल है आपके कल्चर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जितना इन सब चीज़ों पर टिक होगा, जितने टिक बॉक्सेस होंगे चेक, उतने ही आपके सब्सटेंस अब्यूज़ के, डिपेंडेंस के चांस बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो जब एक इंसान डिपेंडेंट हो जाता है या वो हार्मफुल अब्यूज़ करने लग जाता है अपने सब्सटेंस को, तो होता क्या है कि ये केमिकल्स उसके ब्रेन की जो है डिपेंडेंस बढ़ा देते हैं, टॉलरेंस बढ़ा देते हैं ऑन द सब्सटेंस। तो पहले अगर उसको प्लेजर फील हो रहा है कोई सब्सटेंस लेकर, जिसको हम आम भाषा में हाई होना कहते हैं, तो वो कुछ दिनों बाद सेम अमाउंट उसको हाई प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर उसको और ज़्यादा लेने का मन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले क्वांटिटी कम थी तो ज़्यादा उनको फील होता था कि वो ज़्यादा हाई फील कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड फील कर रहे हैं, ज़्यादा प्लेजर, सो कॉल्ड प्लेजर फील कर रहे हैं, लेकिन अब उसी अमाउंट में उनको उतना प्लेजर फील नहीं होता है, उनका ब्रेन डिपेंडेंट होता जा रहा है, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं, तो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसके चलते, उसके रहते बहुत सारे लॉसेस भी एक पर्सन को झेलने पड़ते हैं। और अगर मैं कॉमन लॉसेस की बात करूं, तो हर तरीके के लॉसेस, बल्कि मैं कहूंगा एक प्लेथोरा ऑफ लॉसेस है जो कि आप एक सब्सटेंस डिपेंडेंट पर्सन की लाइफ में देखेंगे, चाहे फिर वो फिजिकल हेल्थ के लॉसेस हों, जैसे कि अल्कोहल में फैटी लिवर वगैरह, उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे माउथ अल्सर्स जो कॉमनली, या स्मोकर्स कफ जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आमतौर पे देखी जाती हैं। फिज़िकल हेल्थ के तो इफ़ेक्ट है ही, और डेफिनेटली बहुत मेजर इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, ये सब लोग जानते हैं, अल्कोहल से लिवर सिरोसिस जैसी चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें हम जानते हैं। लेकिन मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आम जनता तक ये मैसेज पहुँचे कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि एक इंसान जो सब्सटेंस डिपेंडेंट है वो बहुत ज़्यादा पैसा भी लगाएगा सब्सटेंस को प्रोक्योर करने के लिए। उसके अलावा उसकी जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग टाइम इन प्रोक्योरिंग एंड यूजिंग द सब्सटेंस, इन अब्यूजिंग द सब्सटेंस रादर, तो जॉब में लॉसेस होंगे, एब्सेंटिज्म होगा, बहुत छुट्टियां करेंगे वो लोग, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऑप्टिमल वर्क नहीं कर पाएंगे, तो पैसे कम और पैसे जा भी रहे सब्सटेंस के ऊपर। फिर एक बात आती है सोशल लॉस। सोशल लॉस यानी कि एक इंसान बहुत विड्रॉन रहने लगता है, अकेला अकेला आइसोलेटेड रहने लगता है, या कंपनी ऐसी हो जाती है उनके आसपास की जहाँ पे लोग सब्सटेंस यूज़ करते हैं। और डेफिनेटली जब एक इंसान सब्सटेंस कंज्यूम कर रहा है एक्सेसिवली और वो इतना इफेक्टेड है, तो बाकी लोग भी उससे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ज़्यादा उसको एक स्टिग्मा की नज़र से देखते हैं सोसाइटी में, तो लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं।
अब आगे बढ़ते जाएं तो एक इंसान अकेला पड़ने लगता है और ज़्यादा परेशान होने लगता है, टेंशन और स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाता है और ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाता है। कई बार आसपास के फैमिली वाले लड़ाई झगड़े देखते हैं हम, डोमेस्टिक अब्यूज़ देखते हैं इसके अंदर, तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि डाइवोर्सेस, सेपरेशंस और इन सब चीज़ों के चांसेस होते हैं। तो लीगैलिटीज़ के अंदर भी एक इंसान काफ़ी हद तक प्रोन रहता है कि दे विल एंड अप इन टू अ लीगल सिस्टम का मैटर जो होता है। तो ये भी चीज़ें का इन चीज़ों का लॉस भी है। सेल्फ केयर वगैरह डेफिनेटली रिड्यूस होने लग जाती है, तो एक तरह से आपकी फंक्शनिंग डिटोरेट होने लग जाती है इफ़ यू कंटिन्यू अब्यूजिंग द सब्सटेंस ऑफ एनी सॉर्ट। ऑल राइट, डिपेंडिंग ऑन, डेफिनेटली एवरी सब्सटेंस हैज़ अ डिफरेंट इफेक्ट। ओपियम का अलग इफेक्ट होगा, कैनबिस का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा, टबैको का अलग होगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग जो हैं असर होते हैं लोगों के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, तो अब करें क्या? क्या हम इस इंसान से लड़ें, झगड़ें, या इसको समझाएं प्यार से या डांट के? तो देखिए, ज़्यादातर केसेस में लड़ाई झगड़े ही देखे जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं आते, बिकॉज़ वो इंसान पहले ही डिपेंडेंट है, डिसऑर्डर के साथ चल रहा है, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं। और उसको भी पता है कि दे आर नॉट एबल टू मूव आउट ऑफ दिस सब्सटेंस अब्यूज़। ऑल राइट, तो अभी आपको ज़रूरत है प्रोफेशनल हेल्प की। प्रोफेशनल हेल्प जब आप करेंगे, तो ये नहीं चाहूँगा मैं कि आप इंसान को धक्के मारें, लेकिन फोर्सफुली ना करके चाहें तो उनको मनाएं, उनको एम्पथाइज करें, उनकी बात समझें और कोशिश करें उनका रैपो फॉर्म करने की, उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने की, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की, जिसको कहते हैं हम। एंड फर्दर ऑन, इफ़ यू डू दैट, इफ़ द पर्सन स्टार्ट्स ट्रस्टिंग यू एज अ फैमिली मेम्बर और एज अ फ्रेंड, यू हैव टू हेल्प देम इन रीचिंग अ साइकैट्रिक सेंटर लाइक आर्स। इन पेशेंट सेटिंग है, IPD जिसको कहते हैं, राइट। OPD में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ही कम बार हम देखते हैं लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर पहुंचते हैं तो वो भी एक अच्छा इलाज है। लेकिन अगर आपके विड्रॉल सिम्टम बहुत है, यानी कि इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपने फिजिकल सिम्टम्स के साथ, तो एक अच्छा ऑप्शन रहता है जहाँ पे IPD की सुविधा भी हो, तो आप इनको ला सकते हैं। अब जब डॉक्टर साइकैट्रिस्ट उनको इवेल्यूएट कर लेते हैं, उनकी कंडीशन को देख लेते हैं, उनके बायोलॉजिकल फंक्शन सब कुछ देख के उनके लिए ट्रीटमेंट प्लान तैयार होता है। ट्रीटमेंट प्लान दो तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया, OPD भी हो सकता है, IPD भी, डिपेंडिंग ऑन कि सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितना है और क्या उनकी कंडीशन है प्रेजेंट। तो ये एक डॉक्टर का, एक साइकेट्रिस्ट का ही कॉल होता है। अब इसके आगे आप उनको अगर एडमिट कराते हैं, तो आप ये देखेंगे कि साइकेट्रिक केयर यानी कि सुपरविजन के अंदर, यानी कि एक डॉक्टर की निगरानी के अंदर, वो उनके लिए एक मेडिकल ट्रीटमेंट प्लान करेंगे कि कितना उनको डोज दवाई देनी है, कितना उनके लिए कौन सी बेस्ट मेडिकेशन है, वो लोग डिसाइड करेंगे और इसके बाद ही वो आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये दवाइयों से क्या होता है कि इंसान की एडिक्शन की जो डिपेंडेंस हो गई, सब्सटेंस की जो डिपेंडेंस हो गई है, इस पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है, विड्रॉल्स कम हो जाते हैं, जो इंसान डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, क्योंकि विड्रॉल्स यानी कि सब्सटेंस छोड़ने के बाद होने वाली फिजिकल सिम्टम्स, जो कि एक्चुअली में एक इंसान के लिए झेलना बड़ी मुश्किल की बात है। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ये विड्रॉल सिम्टम की वजह से भी कई बार इंसान वापस से ड्रग यूज़ में या अल्कोहल यूज़ में चला जाता है, तो इसको मैनेज करना एक साइकेट्रिस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्मूथली कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स की हेल्प लगेगी आपको। फिर आगे क्या होगा कि ड्यूरिंग योर स्टे, मैं अभी IPD एडमिशन्स की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग योर स्टे आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एडिक्शंस के अंदर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग का रोल। काउंसलिंग क्यों? क्योंकि इंसान का माइंडसेट चेंज करना है। और कई बार मुझे लोग कहते हैं कि जी हम भी बहुत समझाते रहते हैं, काउंसलिंग में क्या होगा? देखिए, काउंसलिंग एक प्रोफेशनल वे है समझाने का, वो हमारे एक अलग स्पेसिफाइड एम्पेरिकल सॉल्यूशंस हैं एक तरह से कहें तो, जिसमें हमें पता है कि किस स्ट्रक्चर में किस तरीके से कितनी बात समझानी है, उनके लिए कैसे प्लान बनाना है। और अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग अपने काउंसलर को अपनी फैमिली से ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं कई बार इनिशियली इन द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सटेंस यूज, क्योंकि एक काउंसलर बहुत ही अनबायस तरीके से उनसे बात करता है, कोई स्टिग्मा क्रिएट नहीं करता है, प्लान्स बताता है, उनके साथ मिलके टीम अप करके आगे का प्लान क्रिएट करता है। अब ये चीज़ अगर आप करते हैं, साइकैट्रिक केयर विच इज़ मेडिकल जो है उनका सुपरविजन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लस एक साइकोलॉजिकल केयर जिसके अंदर उनका मेंटल वेलबींग आता है, उनका कोपिंग मैकेनिज्म, स्ट्रेस मैनेज करना, उनको वापस से लाइफ के अंदर लोगों से कनेक्ट करवाना और सब्सटेंस की क्रेविंग्स, ट्रिगर्स, उनको कैसे अवॉइड करना है आगे फर्दर लाइफ में, ये चीज़ सिखाना, ये दोनों ट्रीटमेंट अगर साथ में चलते हैं तो एक इंसान की ज़िंदगी बहुत बेहतर होने लग जाती है। काफ़ी हद तक चांसेस है कि इंसान वापस में लाइफ में लौट जाए, फैमिली में, जॉब में, फ्रेंड्स में, सोशल जो है उनका सोसाइटी में,
वापस से रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस उनका चालू हम कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात कि उनका जो लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन है, यानी कि 3 महीने, 6 महीने या 2 महीने, जितना भी लंबा टाइम का जो होता है, वहाँ पे रखें या नहीं, देखिए इस बारे में मैं इस वीडियो में कमेंट करना वाजिब नहीं समझता, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि उनकी सीवियरिटी कितनी है। और ये जो है, जो मेंटल हेल्थ केयर है, इसमें वी कैन नॉट विदाउट सीइंग पेशेंट, इट वुड नॉट बी रियली गुड फॉर मी टू टेल कि क्या हर इंसान को लॉन्ग टर्म केयर चाहिए, ये मैं नहीं कह सकता। इट हैज़ टू बी द कॉल ऑफ अ डॉक्टर, जब वो उनको मिल लेते हैं, जब वो देख लेंगे तब वो डिसाइड कर सकते हैं टीम मिलकर विद फैमिली ऑफ कोर्स। और कोशिश यही होती है कि हमें पेशेंट को अपने साथ टीम अप करके ही ये डिसीजन लें तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि ऐसे केसेस में प्रोग्नोसिस यानी कि रिकवरी के चांस ज़्यादा होते हैं। तो आई होप कि मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको समझा पाया होऊंगा। मैंने इस वीडियो में बहुत लेमन टर्म्स भी यूज़ करे हैं ताकि एक आम जनता को ये बात समझ में आए कि एडिक्शंस के ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा कि एडिक्शन के साथ कई बार और भी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं एक इंसान की लाइफ में, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी या जो है नर्वस डैमेज, ऐसा कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ देखने को कभी कभी मिलती हैं एक पर्सन में जो कि सब्सटेंस डिपेंडेंट है। तो प्लीज़ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे सेंटर में जहाँ होलिस्टिक केयर आपको प्रोवाइड हो सके, नर्सिंग स्टाफ हो, साइकैट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, वहाँ पर अगर आप एक पेशेंट का इलाज कराते हैं तो उस पेशेंट के रिकवरी के काफ़ी चांसेस हैं। इवन आप ये देखेंगे कि हम फैमिली काउंसलिंग को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ताकि फैमिली भी लोगों को, अपने पेशेंट्स को, अपने लव्ड वंस को हैंडल करना सीख जाए इवन आफ्टर द डिस्चार्ज। तो आई होप इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी है आपको। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सेंटर पे आके ट्रीटमेंट लें तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करिए एंड वी विल हेल्प यू विद द फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।